ना ना गलत बात कर रहे हैं ना 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 सवाल ले आप फिर जवाब दीजिएगा। देखिए आप देखिए या सवाल करें या कमेंट्री करें, अगर कमेंट देखते हैं कि कोई भी पार्टी हो जब वो हुकूमत में होती है जब वो इख्तदार में होती है उसका रवैया कुछ होता है, अपोजिशन में कुछ होता है। आईन को तो हमने जो देखा है कि आईन को तो किताब की हैसियत से देखती है हर जमात, बातें तो होती है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आपका अगर इख्तदार देखा जाए तो उसमें भी आईन की बहुत सारी ऐसी कमाजें, एक बताएं तो क्या एक बताएं सवाल करें या कमेंट्री करें, अगर कमेंट्री करेंगे तो मैं जवाब सवाल है पूरा सवाल है फिर आप जो कमेंट करेंगे हमें आप नो कमेंट करेंगे तो बात है। सवाल ये है कि हम ये देखते हैं कि अब अगर जो आप आईन की बात कर रहे हैं अदलिया के एहतराम की बात कर रहे हैं तो खान साहब के इस वक्त कितने केसेस है जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में उनको बुलाया जाता है लेकिन आप पेश नहीं हुए, आप मान पास बैठे, तो क्या कहेंगे सारी सरकार? इसका मतलब है कि आप बिल्कुल मेरे भाई बेखबर हैं और लगता है कि हालात हाजरा से ला ताल्लुक है। इमरान खान साहब हर अदालत में पेश हुए हैं और होंगे, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हमारी जदोजहद के अंदर रूल ऑफ लॉ एक बुनियादी उसका नुक्ता है। अदालत में जाने से कभी इनकार नहीं किया, सिक्योरिटी कंसर्न्स थी उनका जिक्र किया और कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स आप हमारी एड्रेस कर दें हम हाजिर हैं। ये भी कहा कि नई टेक्नोलॉजी आपके पास दस्तयाब है, वीडियो लिंक के जरिए आप हाजिर लगवा सकते हैं, बयान कलम बंद कर सकते हैं। अदालत का एहतराम कल भी किया आज भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपका ये तासुर है तो मैं सब एहतराम कहता हूँ, ये तासुर हकायक पर मबनी नहीं है। हकूमत का प्रोपेगेंडा जरूर है लेकिन यकीनन आप जैसे दानिश्वर हुकूमत के जाल में नहीं आएंगे। शासन इस सवाल ये है कि इस वक्त लग रहा है कि मुल्क जो है बंद करने में दाखिल हो चुका है और तमाम हम जितने भी मीडिया टॉक्स देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो ये धमकी दे रहे हैं प्रहरस, अगर ये फैसला हुआ तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। नवाज शरीफ की ये होते कौन है ये धमकी देने वाले? ऐसे सूरत में जब आप रब्ता कर रहे हैं तो इकदाम क्या है? अगर ये इकदाम क्योंकि उनके पास पावर भी है, हुकूमत भी है और वो न्यूट्रल वाले कह रहे हैं हम न्यूट्रल है, आइन पे तो सारे खामोश है। बात ये है कि आईन के सब ताबे हैं, जितने इदारे हैं आईन के ताबे हैं, उन्हें रहनुमाई किससे लेनी है? इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई किससे लेनी है? आईन। हमारी अफवाज ने किसके ताबे काम करना है? आईन। मुकन्ना ने अपना काम कैसे रेगुलेट करना है? आईन। बुनियादी चीज आईन है, ठीक। आईन ने रास्ता बताया है और उसमें कोई अभाम नहीं है, उससे कोई हटेगा तो वो आईन शिकनी करेगा, जो आईन शिकनी करेगा वो आर्टिकल 6 के जिम्मे में आएगा। ये हकायक हैं, बंद गली में जाने की जरूरत ही नहीं है। आईन ने तो बंद गली नहीं, आईन ने तो वाज़े रास्ता दिया है, ये तो खुद अपने लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। आईन ने कोई बंद गली नहीं है, आईन में वाज़े रास्ता मौजूद है, काश उस पर चले।